नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टोरेज क्लासेस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे पॉइंटर के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉइंटर क्या होता है और इसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल से थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, ए वेरिएबल। अब सपोज़ मेमोरी में ये यहाँ पे आके अपना स्पेस रिज़र्व कर लिया, ये ए वेरिएबल ने अपना स्पेस रिज़र्व कर लिया। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, एक तो इस वेरिएबल का नाम, नेम ऑफ वेरिएबल, दूसरा वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और तीसरा एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस। एड्रेस ऑफ वेरिएबल। दोस्तों, अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को कॉल करने के लिए सपोज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू फाइव, अब इस वैल्यू को कॉल करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम डायरेक्ट वेरिएबल के हेल्प से कॉल कर सकते हैं, ये जो हमारा ए वेरिएबल है इससे हम कॉल कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है इसके एड्रेस से भी हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ इसीलिए होता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को विदाउट उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकें उसके एड्रेस के हेल्प से। तो पॉइंटर क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ वेरिएबल, इट इज़ यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल। पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल ही होता है, बट ये कैसा वेरिएबल होता है, जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज होता है। फॉर डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर वी हैव टू प्लेस एस्ट्रिक सिंबल बिफोर द वेरिएबल। वेरिएबल अगर हमें पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इसके लिए हमें उस वेरिएबल के पहले एक स्टार का यानी एब्स्ट्रिक का सिंबल लगाना होता है, जिससे कि वो वेरिएबल हमारा पॉइंटर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। मेमोरी एड्रेस इज ऑलवेज विल अनसाइंड डेटा टाइप। मेमोरी एड्रेस जो होता है वो हमेशा अनसाइंड डेटा टाइप का होता है। अगर हमें कभी भी मेमोरी प्रिंट करानी है तो सी लैंग्वेज में परसेंट यू का यूज करते हैं। अब इसको यहां पे समझते हैं। जैसे दोस्तों, हमने यहां पे इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल ले लिया और इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और इंटीजर टाइप का अगेन एक पॉइंटर वेरिएबल हमने ले ली, ये हो गया। अब दोस्तों, ये सपोज मेमोरी में इस तरह का इसका एलोकेशन अगर हो रहा है ए वेरिएबल हो गया हमारा ये हमारा टी वेरिएबल हो गया और ये क्यू हो गया। इसका कोई मेमोरी एड्रेस होगा, लेट सपोज कर लेते हैं 1024 इसका मेमोरी एड्रेस है, 1024 25 इसका मेमोरी एड्रेस है, 1026 इसका मेमोरी एड्रेस है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
जब हम कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी में कंटिन्यूस ब्लॉक एलोकेट हो, रैंडमली वो कहीं पे भी एलोकेट हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी ब्लॉक पे अपने अकॉर्डिंग जाके एलोकेट हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया एलोकेशन। अब सपोज़ हमने यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन की a इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी। अब ये हमारा p और q पॉइंटर वेरिएबल है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पॉइंटर वेरिएबल में किसी भी दूसरे वैल्यू का एड्रेस स्टोर होगा बट सेम डेटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे इंटीजर टाइप का a है, इंटीजर टाइप का p है और q है, तो p और q में किसी दूसरे इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a, ये एंड परसेंट है एड्रेस ऑफ का सिंबल, जिसको हम लोग एड्रेस ऑफ बोलते हैं। इससे क्या हुआ, a का एड्रेस p में असाइन हो गया, यानी कि p की वैल्यू क्या हो गई हमारी 10 24, ये हमारी हो गई p की वैल्यू। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, q इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ p, तो ये क्या हो जाएगा, p का जो एड्रेस है यानी ये q की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 25, ये हो जाएगा आपका। दोस्तों अब अगर हम स्टेटमेंट ये लिखते हैं, printf परसेंट यू कॉमा एड्रेस ऑफ ए, तो दोस्तों ये क्या करेगा, ए का एड्रेस प्रिंट करेगा। अगर हम अगेन फिर से लिखते हैं printf परसेंट यू P, तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा है इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट, ये A का एड्रेस प्रिंट करेगा। लेट सपोज अगर A का एड्रेस 1024 है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1024। हमने यहाँ पे p की वैल्यू प्रिंट कराई है, तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू a का एड्रेस ही तो है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू प्रिंट होगा यानी कि 1024। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 1024 मैंने माना हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस यही हो, मेमोरी ब्लॉक अनसाइन वैल्यू होती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में जो भी प्रिंट होगा दोनों में सेम वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब अगर हम अगला स्टेटमेंट लिखते हैं, q printf % d, a,
परसेंट बी कॉमा पॉइंटर पी। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आपका प्रिंट होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस लाइन से एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू कितनी है, 5 यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट हमने लिखा है पॉइंटर पी, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे, इस पोजीशन पे हमने नॉर्मल पी लिखा है। नॉर्मल पी मींस पी की वैल्यू, और पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का जो एड्रेस है वही पी की वैल्यू है। तो ये प्रिंट हो गया, यहाँ पे ए का एड्रेस प्रिंट हो गया। दोबारा जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमने पॉइंटर पी प्रिंट कराया, यहाँ पे हमने एक स्टार लगा दिया है। तो दोस्तों ये स्टार लगाने से कंप्यूटर समझ जाता है कि एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, ये जो यहाँ पे है इसका एड्रेस, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू इस एड्रेस पे मिलेगा। कंप्यूटर समझ जाता है कि ये हमें एक रेफरेंस दिया गया है और यहाँ पहुँच के हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये यहाँ से रीडायरेक्ट होके इस लोकेशन पे आएगा और यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, यानी कि 5। तो दोस्तों इस तरह से ए के विदाउट इन्फॉर्मेशन हमने पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से ए की वैल्यू पे एक्सेसिंग कर ली। अब अगर हम तीसरा स्टेटमेंट ऐसा कुछ लिखते हैं जैसे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला स्टेटमेंट जो हमने लिखा है यहाँ पे डबल स्टार क्यू, यानी कि डबल एस्ट्रिक का साइन, ये अगेन ये, देन हमने लिखा है क्यू, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आइए देखते हैं। यहाँ से जैसे हमने क्यू लिखा तो तुरंत जो कंपाइलर है हमारा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ को पॉइंट आउट होगा, क्यू की वैल्यू देखेगा। क्यू की वैल्यू क्या है, पी का एड्रेस, इसको प्रिंट करने के लिए जाएगा, बट यहाँ पे स्टार लगा हुआ है पॉइंटर, तो ये समझ जाएगा कि एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है, ये एक रेफरेंस है। तो ये इसके एड्रेस पे पहुँचेगा यहाँ पे। अब जब यहाँ पे आया तो इसको 1024 मिला, बट अगेन इसको एक स्टार मिला, तो ये अगेन समझ जाएगा कि ये भी हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये भी कोई एड्रेस ही है, तो हमें उस एड्रेस ब्लॉक पे पहुंचना है। तो ये अगेन यहाँ से इस एड्रेस ब्लॉक पे पहुंचेगा और यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, यानी रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा 5। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। ये टर्बोसी का सॉफ्टवेयर है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं सेम एज इट इज, ए इक्वल्स टू 5 असाइन कर दी। ये हमारे दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। क्लियर स्क्रीन लगा हुआ है, क्लियर स्क्रीन दोस्तों यूज होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, जो भी प्रीवियस रिजल्ट होता है उसको क्लियर कर देता है। नेक्स्ट यहाँ से अब हम लोग प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। स्लैशन लाइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग एक सेकंड यहाँ पे एड्रेस असाइन कर देते हैं, पहले पी इक्वल्स टू
address of A and Q equals to address of P, जैसा कि स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ था। यहां पे हम प्रिंट कराएंगे स्लैश एन एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए परसेंट यू, सॉरी परसेंट यू कॉमा एंड परसेंट ए। अगेन हम प्रिंट कराते हैं वैल्यू ऑफ पी। अगेन हम प्रिंट कराते हैं, चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आया हुआ है। ये ऊपर एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस हमने डायरेक्टली प्रिंट कराया हुआ है 65524, और ए का एड्रेस हमने पी में स्टोर करके प्रिंट कराया हुआ है पी पॉइंटर वेरिएबल में, तो 65524 दोनों ही सेम आ रहे हैं। वो सही है इसका मतलब। आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू परसेंट बी कॉमा ए एंड वैल्यू ऑफ ए यूजिंग पी पॉइंटर पी इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉइंटर पी प्रिंट कराएंगे एंड वैल्यू ऑफ ए यूजिंग डबल पॉइंटर क्यू। इक्वल्स टू परसेंट डी डबल पॉइंटर, कंपाइल करते हैं। सस्पिशियस पॉइंटर कन्वर्जन। तो दोस्तों ये प्रोग्राम बन गया हमारा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस पोजीशन पे हमें डबल पॉइंटर यूज करना होगा, क्योंकि पॉइंटर का एड्रेस, पॉइंटर पी का एड्रेस हम क्यू में स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल पॉइंटर हमारा यूज होगा। अब इसको रन करते हैं कंट्रोल एफ नाइन। ये रन हो गया हमारा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डायरेक्ट ए का एड्रेस प्रिंट है, ये ए का एड्रेस यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल प्रिंट किया गया है, ये ए की वैल्यू हमने डायरेक्ट प्रिंट कराई है, और ये ए की वैल्यू हमने यूजिंग पॉइंटर प्रिंट कराई है, सेम आ रहा है, और ये ए की वैल्यू हमने यूजिंग डबल पॉइंटर प्रिंट कराया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे जब क्यू को, ये स्टार स्टार क्यू, इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा और इसको मिलेगा पहला स्टार, ये वाला स्टार मिलेगा, तो ये समझ जाएगा कि 1025 इज अ एड्रेस, ये यहाँ से इस एड्रेस को पहुँचेगा। यहाँ पे देखेगा 1024 पड़ा हुआ है, अगेन इसको ये स्टार मिला,
ये अगेन समझ जाएगा कि 1024 इज अ एड्रेस, इट इज़ नॉट अ करेक्ट वैल्यू। ये वैल्यू नहीं है, ये एड्रेस है, ये एक रेफरेंस है। एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो इस रेफरेंस पे मिलेगी। तो अगेन ये यहाँ से रीडायरेक्ट होके इस एड्रेस पे पहुँचेगा और यहाँ पे जो वैल्यू है 5, ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। ये तो दोस्तों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर से रन करा के चेक कर लेते हैं। ये हमने रन किया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमने डायरेक्ट एक एड्रेस प्रिंट करा हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से प्रिंट किया हुआ है। ये एक ही वैल्यू प्रिंट कराई गई है, ये अगेन पॉइंटर वेरिएबल के हेल्प से एक ही वैल्यू प्रिंट कराई गई है, और ये डबल पॉइंटर के हेल्प से एक ही वैल्यू प्रिंट कराई गई है। रन करते हैं। ये आपका रिजल्ट आपके सामने आ गया। दोस्तों ये कंप्लीट प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम को आप लोग लिख के और यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और भी कई सारे प्रोग्राम पॉइंटर पे हैं, आप लोग नेट से सर्च मार सकते हैं, उसको ट्राई करिए। अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।